बात है दोस्तों, आज मेरी फिर एक नई वीडियो में आज हम बात चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पार्ट टू पर। इससे पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पार्ट वन में जो चर्चा की थी उसमें हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में चर्चा की थी, अर्थात जो सेंटेंसेस एक वर्ब में पूरे होते हैं जिनमें केवल सिंगल वर्ब होती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे जब सेंटेंसेस दो भागों में पूर्ण होते हैं, अर्थात उनके बीच में पूर्व या पहले शब्द आता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम जो बनाते हैं उसके लिए हम वो नियम उस नियम का प्रयोग करते हैं जैसे कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया था, कि अर्थात बात का वाक्य शुरू में और शुरू का वाक्य बाद में। तो इससे पहले हम जो नियमों को आगे शुरू करें, हम सबसे पहले पहचान के बारे में बातें करते हैं। और पहचान के बारे में बातें करने से पहले हम फिर ये कहना चाहेंगे कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास अगली वीडियो का तुरंत पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं पहचान। तो ये जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट टू, इसमें अंत में या होगा, ई होगी, ये होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे एवं चुका होगा, ये शब्द आते हैं। अर्थात जैसे उसके आने से पहले वर्षा हो चुकी होगी, मेरे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन छूट चुकी होगी, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अर्थात ये वाक्य दो भागों में भी पूर्ण होते हैं। जो इसके सिंगल सेंटेंसेस से संबंधित नियम थे उसको अगर आपको और भी अच्छा समझना है तो उसको आप मेरी पिछली वीडियो में सुन सकते हैं और उसको खूब अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं, जिसमें मैंने आपको उसमें विद एग्जाम्पल समझाया हुआ है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में उन सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं जो वाक्य दो भागों में पूर्ण होते हैं। तो इनमें बाद का वाक्य शुरू में विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म से बनाते हैं एवं शुरू का वाक्य बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से बनाते हैं। तो इसको हमें अगर हम इक्वेशन से अगर हम इन सेंटेंसेस को समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अफर्मेटिव पर बात करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें ताकि ये वीडियो आपके समझ में पूर्व की भांति भली प्रकार से आ सके। तो आइए बात करते हैं अफर्मेटिव पर। तो हम सबसे पहले बात का वाक्य जो शुरू में बनाएंगे उसका सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। पूर्व या पहले शब्द के लिए हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। और अब जो शुरू का सेंटेंस होता है उसे बाद में ले जाएंगे, उसका सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसा कि अभी हमने नियम में लिखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से बनाते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये हमारा अफर्मेटिव की इक्वेशन होती है।
और इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझना चाहें तो जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी होगी। तो दोस्तों इसमें बात का सेंटेंस जो है वो ये है कि वर्षा हो चुकी होगी। वर्षा मौसम का सेंटेंस है और मौसम के सेंटेंस को हम इट से बनाते हैं, तो ये हमारा बनेगा इट विल हैव रेन्ड। इट विल हैव रेन्ड अर्थात वर्षा हो चुकी होगी। बीच में कंजक्शन आ जाता है बिफोर। अब मेरे स्टेशन पहुंचने का मतलब है मैं स्टेशन पहुंचता हूं, तो इसे हम फर्स्ट फॉर्म से अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन। तो ये जो सेंटेंस हमारा होता है ये एग्जाम्पल है अफर्मेटिव सेंटेंस का। और एक सेंटेंस इसका हम ले लेते हैं, अध्यापक के इतिहास पढ़ाने से पहले विद्यार्थी कक्षा में आ चुकेंगे। अध्यापक के इतिहास पढ़ाने से पहले विद्यार्थी कक्षा में आ चुकेंगे। तो यहाँ पर जो बात का सेंटेंस है वो ये है, विद्यार्थी कक्षा में आ चुकेंगे। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे विल हैव, शैल हैव और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके। तो विद्यार्थी, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर विल आ जाएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। द स्टूडेंट्स विल हैव कम, विद्यार्थी आ चुकेंगे कक्षा में, इन द क्लास। द स्टूडेंट्स विल हैव कम इन द क्लास, विद्यार्थी कक्षा में आ चुकेंगे अध्यापक के इतिहास पढ़ाने से पहले। अब यहाँ पर हमारा कंजक्शन का प्रयोग होगा, बिफोर। अध्यापक इतिहास पढ़ाते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे हम इसको। द टीचर टीचेज, क्योंकि टीचर यहाँ पर सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस सी आई एस का प्रयोग करते हैं। तो द टीचर टीचेज हिस्ट्री, बिफोर द टीचर टीचेज हिस्ट्री, अध्यापक के इतिहास पढ़ाने से पहले द स्टूडेंट्स विल हैव कम, विद्यार्थी आ चुकेंगे इन दी क्लास, माने कक्षा में आ चुकेंगे। तो दोस्तों ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। और अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, केवल विल हैव के साथ में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसकी इक्वेशन बनेगी, जो बात का वाक्य है उसका सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, उसके बाद में हम हैव का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट विल या शैल हैव नॉट, अब यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब कंजक्शन आता है बिफोर, फिर जो शुरू का वाक्य बाद में बनाएंगे उसका सब्जेक्ट, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बात का वाक्य शुरू में सब्जेक्ट विल या शैल हैव नॉट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म से के बाद हम एक ऑब्जेक्ट और लगा देंगे, और उसके बाद में बिफोर आ जाएगा। बिफोर और शुरू का वाक्य जो बाद में ले जाएंगे उसका सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से कई बार ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है, तो वहां पर हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता
नहीं होती है, तो वहाँ पर वर्ब की फॉर्म तक ही हमारा काम चल जाता है। तो लेकिन फिलहाल हमें नियम में समझना यही है कि थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करते हैं, उसके बाद में शुरू का वाक्य जो बाद में बनाएंगे उसका बिफोर कंजक्शन के रूप में, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर इसको एग्जाम्पल से अगर हम समझें, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल ऊपर बनाया था, अध्यापक के इतिहास पढ़ाने से पहले विद्यार्थी कक्षा में आ चुकेंगे, तो इसको हम अगर नेगेटिव बनाएं तो ये बनेगा अध्यापक के इतिहास पढ़ाने से पहले विद्यार्थी कक्षा में नहीं आ चुकेंगे। तो इसको हम अगर बनाएंगे तो वही सबसे पहले बाद का वाक्य शुरू में बनाएंगे, विद्यार्थी कक्षा में नहीं आ चुकेंगे, द स्टूडेंट्स विल हैव नॉट आ चुकेंगे, अर्थात थर्ड फॉर्म कम, द स्टूडेंट्स विल हैव नॉट कम कक्षा में, इन दी क्लास। अब यहाँ कंजक्शन लगेगा बिफोर अध्यापक के इतिहास पढ़ाने, अर्थात अध्यापक इतिहास पढ़ाते हैं, द टीचर टीचेज हिस्ट्री, द टीचर टीचेज हिस्ट्री, अध्यापक इतिहास पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस का हो जाएगा। और इसके बाद में अब आते हैं इंटरोगेटिव पर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, इंटरोगेटिव नंबर वन यदि, क्या शुरू में हो, यदि क्या शुरू में हो। तो हम सबसे पहले यदि क्या शुरू में होगा तो उसके लिए हम विल या शैल, अर्थात हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगाएंगे, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात ये जो नॉट है अगर इसकी आवश्यकता हमें नहीं है तो हम हटा देंगे इसको। तो बाद का वाक्य जो शुरू में बनेगा उसमें हम सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव नॉट, नॉट यदि है तो लगाएंगे, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कंजक्शन के रूप में हम बिफोर लगाएंगे, फिर शुरू का वाक्य जो बाद में ले जाएंगे उसका सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये हमारा इंटरोगेटिव का पहला पार्ट होगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम समझेंगे कि यदि कोई भी क्वेश्चन वर्ड, अर्थात डब्ल्यू एच ग्रुप का कोई भी वर्ड जिसको हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, वाक्य के बीच में हो, यदि कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लगाएंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद में हम प्रयोग करेंगे हैव का, उसके बाद नॉट यदि नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो हटा देंगे, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, बिफोर पूर्व या पहले शब्द के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो शुरू का सेंटेंस होगा उसे बाद में ले जाएंगे, उसका सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात इसको दोबारा समझ लेते हैं, जो बात का वाक्य शुरू में आएगा उसका क्वेश्चन वर्ड, विलिया शैल सब्जेक्ट हैव नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर शुरू का वाक्य बाद में ले जाएंगे, कंजक्शन के बाद में बिफोर के बाद में सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट।
तो ये हमारा इंटरवेटिव का दूसरा पार्ट होता है। तो इसको और ठीक से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उस एग्जाम्पल में जैसे क्या तुम्हारे आने से पहले वे खाना खा चुकेंगे? क्या तुम्हारे आने से पहले वे खाना खा चुकेंगे? तो इसको हम अगर बनाएंगे तो क्या शुरू में है, यहाँ पर विल या शैल का प्रयोग हम पहले करेंगे। तो क्या वे खाना खा चुके होंगे, पहले हम इसको बनाएंगे। तो क्या शुरू में है, अब वे के साथ में हम विल लगाते हैं, विल दे, तो विल दे हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि नॉट इसमें है नहीं, ईटन। विल दे हैव ईटन द फूड? क्या वे खा चुके होंगे खाना? अब कंजक्शन आएगा बिफोर तुम्हारे आने। तुम्हारे आने का मतलब होता है तुम आते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिफोर यू कम, बिफोर यू कम। तो इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट का जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये है। अब बात करेंगे हम सेकंड पार्ट के एग्जाम्पल पर। तो सेकंड पार्ट के जो एग्जाम्पल हम बात करेंगे तो वो बनता है जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होता है। उसको हम अगर ऐसे समझें कि उसके दफ्तर जाने से पहले तुम अपना काम क्यों नहीं कर चुके होगे? उसके दफ्तर जाने से पहले तुम अपना काम क्यों नहीं कर चुके होगे? तो अगर हम इसको अगर बनाएंगे तो जैसे कि यहाँ पर हमारा बाद का वाक्य जो ये है कि तुम अपना काम क्यों नहीं कर चुके होगे, तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जैसा कि अभी नियम में हमने पढ़ा था क्यों वाक्य के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले इसको हम लगाएंगे भाई, फिर आ जाता है हेल्पिंग वर्ब विल, अब सब्जेक्ट आएगा तुम, वाई विल यू, अब हैव आएगा, फिर नॉट आएगा क्योंकि नॉट इसमें दिया हुआ है, वाई विल यू हैव नॉट कर चुके होगे, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, वाई विल यू हैव नॉट डन, तुम क्यों नहीं कर चुके होगे अपना काम, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा योर वर्क। अब कंजक्शन आ जाता है बिफोर पहले। अब उसके दफ्तर जाने, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से बनाएंगे, तो वह दफ्तर जाता है, ही गोज टू दी ऑफिस, ही गोज टू दी ऑफिस, वह दफ्तर जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना शुरू का वाक्य बाद में। तो दोस्तों ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट टू। उम्मीद है आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो ये याद रखें कि जब भी हम किसी टेंस के बारे में अगर हम कोई जानकारी लेते हैं तो वो उसके बारे में हम शुरू से अंत तक अवश्य देखें, ताकि हमारा कोई भी नियम जो है मिस ना हो जाए, तभी हमारी समझ में पूरी तरीके से वो टेंस आ पाता है। तो अब विदा लेने से पहले फिर मैं एक बार याद दिलाऊंगा कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि एक से एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके मोबाइल पर अर्थात आपकी जानकारी में आ सके। तो अगली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो अंतिम पार्ट है फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।